हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम इंग्लिश ट्रेनर। वेल गाइस, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 13 जून 2019 थर्सडे। आइए देखते हैं किस बारे में है गाइस। यह लिखा है वैल्यूज टू लिव बाय, यानी कि कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिनको लिव बाय करना। लिव बाय का मतलब है कि टू अग्री विद और उनको फॉलो करो, अग्री करो उन वैल्यूज को, उनको फॉलो करो, उसे लिव बाय कहते हैं। तो कैसे वैल्यूज की बात हुई है, देखिए। पीएम मोदीज कॉल फॉर इंक्लूसिवनेस इन द मालदीव्स एंड श्रीलंका इज रेलिवेंट इन इंडिया टू। अब देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है, सेंटेंस को समझिए कि जो पीएम मोदी हैं उनका जो कॉल है, उन्होंने जो कॉल मतलब एक बात कही है, एक डिमांड रखी है, एक बातें बताई हैं, किस चीज़ के लिए? फॉर इंक्लूसिवनेस, यानी कि सब, इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या है? सब का समावेश हो, टोटैलिटी हो, किस चीज़ में? इन द मालदीव्स एंड श्रीलंका में जो ये हो, इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है, उचित है, कहाँ पर? इन इंडिया टू, इंडिया में भी वो बात उचित है, ये बात है। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू माले दिस मंथ, और यहाँ एक कॉमा है, पहले इसको समझते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट था कहाँ पर था? टू माले, इस महीने, तो इस विजिट के दौरान। अब इस दौरान में क्या हुआ, तो इस मंथ के बाद यहाँ कॉमा है, कॉमा के बाद यहाँ एक सेंटेंस है, हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड आफ्टर हिज री इलेक्शन, और फिर यहाँ पर लिखा है ही डिलीवर्ड। तो ये जो ड्यूरिंग वाला सेंटेंस है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है दिस मंथ में, और फिर यहाँ से जो दूसरा सेंटेंस है वो ही डिलीवर्ड से ख़त्म हो रहा है। इस दोनों सेंटेंस के बीच में एक छोटा सा ये दे दिया है कि हिज फर्स्ट ट्रिप, यानी कि ये जो विजिट था ये क्या था, उनका एक पहला ट्रिप था अब्रोड का आफ्टर हिज री इलेक्शन, यानी कि दोबारा जो इलेक्शन में वो जीते हैं उसके बाद ये विदेश का पहला ट्रिप था, ये बताया गया है कि कैसा विजिट था, विजिट के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब है तो इस विजिट के दौरान ही डिलीवर, उन्होंने डिलीवर किया और स्पीच, एक भाषण दिया, रिच इन मीनिंगफुल मेटाफोर्स टू द मालदीवियन पार्लियामेंट। तो ऐसा भाषण दिया जिसमें एकदम मीनिंगफुल मेटाफोर था। मेटाफोर का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जो हम उपमा वगैरह देते हैं, तारीफ करते हैं, कोई ऐसा बात रखते हैं कि रिलेट करके नहीं बोलते, मेटाफोर होता है, तो वो बोला उन्होंने मालदीवियन पार्लियामेंट में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, ही रेफर्ड टू द टाइज दैट बाइंड इंडिया टू द मालदीव्स। अब ही रेफर्ड, उन्होंने किस चीज़ की बात की, उन्होंने उस बंधन को बताया, रेफर किया उस बंधन को, टू द टाइज को, दैट बाइंड इंडिया, जो कि बांधता है इंडिया को टू द मालदीव्स, मालदीव्स से बांधता है, यानी कि एक बंधन के बारे में उन्होंने बात की, एंड विच कुड बी एक्सटेंडेड। अब देखिए, विच मतलब जो, यानी कि उस टाइज के बारे में बात कही जा रही है, ये कुड बी जो है प्रेजेंट को दिखा रहा है कि प्रेजेंट के अंदर है कि ऐसा किया जा सकता है, प्रेजेंट के चांसेस को दिखाता है, तो कुड बी एक्सटेंडेड, इसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये कुड का पैसिव है, एक्सटेंडेड टू अदर मैरीटाइम नेबर्स, यानी कि और भी जो मैरीटाइम नेबर्स है, जो समुद्र तट के जो नेबर्स है, जो समुद्र से रिलेटेड जो नेबर्स हैं, इन द इंडियन ओशियन एज वेल, तो इंडियन ओशियन से रिलेटेड मतलब उनके तट से जो नज़दीकी जो नेबर्स हैं उनके साथ भी ये जो टाइज है इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, ये बात यहाँ तक बताइए। समुद्र के निकट, हिंदी में इसे बोलेंगे। अब देखिए, पॉइंटिंग आउट, यानी कि पॉइंट आउट करते हुए, ये दर्शाते हुए, बताते हुए, दैट द वेव्स दैट वॉश द इंडियन शोर्स। अब देखिए, द वेव्स, वे लहरें, देख रहे हैं अब कैसी मेटाफोर वाली बातें की गई हैं, कि वे लहरें दैट वॉश, जो धो देती हैं द इंडियन शोर्स, इंडिया के जो शोर हैं, जो तट हैं, उनको जो लहरें धो देती है, आर द सेम, वो सेम है एज दोज का मतलब वेव्स, वो सेम वेव्स हैं दैट रीच द शोर्स ऑफ द मालदीवियन आइलैंड चेन। तो जो लहरें इंडिया के शोर को धोती हैं, वही लहरें जो हैं वो कहाँ पहुँचती हैं, उनके मालदीवियन जो आइलैंड चेन है उनके शोर पे पहुंचती है। तो ऐसे मेटाफोर डाला गया है, मिस्टर मोदी कॉल्ड देम मैसेंजर्स, तो मिस्टर मोदी ने उन वेव्स को मैसेंजर कहा है, कि जो वेव्स हैं ये मैसेंजर्स हैं, किस चीज़ के मैसेंजर्स हैं, ये शांति के मैसेंजर है, पीस, फ्रेंडशिप के मैसेंजर है, एंड ट्रस्ट, विश्वास के मैसेंजर है, दैट एग्जिस्ट, अब यहाँ दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, जो इन दोनों कंट्रीज के बीच जो एग्जिस्ट करता है, जो है वो क्या है,
पीस है, फ्रेंडशिप है, ट्रस्ट है, तो इन सब का जो मैसेंजर है वो लहरें हैं जो यहाँ से वहाँ जाती हैं। तो बहुत ही मेटाफोर यूज़ किया गया है, घुमाकर बातें बताई गई हैं। अब देखिए, गोइंग बियॉन्ड ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नज़दीकी, तो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी से अगर हम परे चले जाएँ, ये तो नज़दीक है ही, लेकिन अगर इससे हम परे चले जाएँ, द स्पीच स्पेल्ट आउट कॉमन इंटरेस्ट, तो उनका जो भाषण था उसमें एक ही बात नज़र आई जो स्पेल्ट आउट हुआ, वो क्या हुआ, कॉमन इंटरेस्ट दिखा इन मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो जो कॉमन इंटरेस्ट था कि मैरीटाइम कोऑपरेशन का मतलब है कि जो भी समुद्र तट से जो जुड़े हुए जो देश हैं उनके साथ कोऑपरेशन हो, डेमोक्रेसी के बारे में बात हुई, प्लूरलिज्म के बारे में बात हुई, क्लाइमेट चेंज के बारे में। उन्होंने अपने स्पीच में ये भी कहा कि इन बैटलिंग द ट्विन स्कॉर्जेज ऑफ टेररिज्म, यानी कि जो टेररिज्म है या जो रेडिकलाइजेशन है, कि उग्रता जो है, जो कट्टरपंथी जो होते हैं, जो कट्टरता जो है उसका जो स्कॉर्ज है, स्कॉर्ज मतलब जो विपत्ति है, उसको बैटल करने की भी बात हुई। तो कहने का मतलब है, यहाँ से आप इसको समझिए, गोइंग बियॉन्ड ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि ज्योग्राफिकल जो नज़दीकी है इससे अगर हम परे होकर बात करें, तो उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण का क्या मतलब था, क्या स्पेल्ट आउट किया, उन्होंने कॉमन इंटरेस्ट की बात की, कॉमन हित की बात की इन मैरीटाइम कोऑपरेशन में, कि भाई डेमोक्रेसी की बात की, प्लूरलिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, और हम लड़ेंगे, बैटलिंग की बात की, द ट्विन जो दो विपत्ति है, स्कॉर्जेज हैं, किस चीज़ का, एक तो टेररिज्म का है और दूसरा जो है वो कट्टरता का है, इस सब से लड़ने की भी बात हुई उनके स्पीच में। क्लियर है? द अग्रीमेंट्स अनाउंस्ड ड्यूरिंग द विजिट फॉलोड दीज थीम्स एज वेल। अब यहां पर बात कही गई कि द अग्रीमेंट्स, जो भी अग्रीमेंट अनाउंस हुई ड्यूरिंग द विजिट, इस विजिट के दौरान, फॉलोड दीज थीम्स एज वेल, तो इन थीम्स को भी फॉलो किया इस अग्रीमेंट ने। क्या थीम था? इंक्लूडिंग MOUs ऑन हाइड्रोग्राफी कॉरपोरेशन। अब ये उन्होंने जो MOU की बात हुई होगी कि हाइड्रोग्राफी कॉरपोरेशन कि MOU को लेकर, एंड शेयरिंग वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन, अब ये सब कुछ नाम है जो आप पढ़ते जाइए, तो वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, एंड इंडियाज़ डिसीजन, इंडिया का जो फैसला है टू फंड अ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर माले'स फ्राइडे मॉस्क, यानी कि माले का जो एक फ्राइडे जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, उसका जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, यानी कि जो संरक्षण का जो प्रोजेक्ट है उसको फंड करने का, बिल्ट विद कोरल इन 1658 में जो बिल्ट हुआ था, द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड, प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्रेस किया, जाहिर किया, बताया, और रिजॉल्व फॉर द कॉमन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, कि कैसे, मतलब एक उपाय बताया कि कैसे कॉमन जो फाइट है अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म के खिलाफ, उससे उसको कैसे रिजॉल्व करें, एंड रेडिकलाइजेशन, और जो कट्टरता उग्रता है उससे कैसे हम रिजॉल्व करें, उसके बारे में बताया, विच ही कॉल्ड द लिटमस टेस्ट फॉर टूडेज लीडरशिप। और इस चीज़ को, इस टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन को उन्होंने क्या कहा कि एक लिटमस टेस्ट है फॉर टुडेज लीडरशिप, आज का जो नेतृत्व है उसके लिए एक लिटमस टेस्ट है। अब लिटमस टेस्ट नाम रखा है, लिटमस का मतलब है कि ये टेस्ट करना है कि ये एसिड है कि अल्कलाइन है, इस बारे में बात हुई। एंड सेड स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म रिमेन्स द बिगेस्ट थ्रेट टू ऑल ह्यूमैनिटी टूडे। और ये भी बात उन्होंने बोला, एक तो लिटमस टेस्ट बोला और ये भी कहा कि स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म, कि जो ऐसे स्टेट जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सरशिप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिमेन्स द बिगेस्ट थ्रेट, वही सबसे बड़े थ्रेट हैं टू ऑल ह्यूमैनिटी, पूरे मानवता के लिए वही सबसे बड़ा खतरा है आज। ऑन हिज नेक्स्ट स्टॉप, अपने अगले स्टॉप में, फॉर अ फ्यू आवर्स इन कोलंबो, कुछ घंटे कोलंबो में, ही स्पेल्ट आउट द सेम मैसेज, वहाँ पर उन्होंने सेम मैसेज रखा, सेम मैसेज बोला, मेकिंग अ डेटोर, चक्कर काटते हुए, आफ्टर लैंडिंग टू, लैंड होने के बाद, टू विजिट द सेंट एंथोनीज श्रीन, यानी कि सेंट एंथोनीज का जो श्रीन, जो तीर्थ स्थान है, कहाँ पर है, इन कोचिकड़े, तो वहाँ लैंड होने के बाद, अब ये इस कॉमा है, अपोजिशन है, इसके बारे में बताया है क्या है, ये वन ऑफ द साइट्स, उन जगहों में से एक है, ऑफ द ईस्टर संडे टेरर अटैक्स, यानी कि जो टेरर अटैक हुआ था, तो ये भी एक जगह है, दैट लेफ्ट मोर देन 250 डेड, जहाँ पर कम से कम 250 लोग मारे गए थे, तो वहाँ भी वो पहुँचे और उन्होंने सेम मैसेज दिया। मिस्टर मोदीज ट्विन विजिट्स अंडरलाइंड सेवरल इनिशिएटिव्स, तो मिस्टर मोदी का जो ये ट्विन विजिट है, ये जो दो रूपा जो विजिट है, अंडरलाइंड, उसने ये अंडरलाइन किया, अंडरलाइन का मतलब इस चीज़ को दिखाया,
सेवरल इनिशिएटिव को दिखाया कि कई तरह के जो इनिशिएटिव है, जो कदम उठाए जाते हैं, उनको दिखाया दैट ही हैड प्रोमोटेड, जो उन्होंने प्रोमोट किया था इन हिज फर्स्ट टेन्योर, जो पहला जो उनका टेन्योर था यानी कि फर्स्ट टाइम जो वो थे प्राइम मिनिस्टर तब उन्होंने प्रोमोट किया था, इंक्लूडिंग हिज कमिटमेंट टू, अपने कमिटमेंट को इंक्लूड करते हुए क्या था कमिटमेंट, नेबरहुड फर्स्ट, सबसे पहले नेबरहुड होगा, एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और सिक्योरिटी होगी, ग्रोथ होगा ऑल इन द रीजन, पूरे रीजन में, फॉर द इंडियन ओशियन रीजन, जो भी इंडियन ओशियन का रीजन है तो सब में एक सिक्योरिटी होगा और ग्रोथ होगा। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, इट इज़ नेसेसरी, ये इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है टू इंश्योर, सुनिश्चित करना दैट दीज थीम्स रिसीव कॉन्स्टेंट अटेंशन, कि जो भी ये थीम है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इसको क्या चाहिए, रिसीव कॉन्स्टेंट अटेंशन, कि ये एक लगातार अटेंशन प्राप्त करे, ये इंश्योर करना बहुत नेसेसरी है थ्रू स्टडी कम्युनिकेशन, ताकि एकदम एक स्थिर कम्युनिकेशन बना रहे, इसके थ्रू ये कॉन्स्टेंट अटेंशन मिलेगा, एंड दैट रिलेशंस आर नॉट अलाउड टू फ्रे एज दे डिड इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ दैट टेन्योर, एंड दैट रिलेशन, जो भी रिलेशन है, आर नॉट अलाउड टू फ्रे, फ्रे का मतलब वो एकदम घिस जाना, वो रिलेशन ख़त्म नहीं हो जाने चाहिए, एज जैसा कि दे डिड इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, कि जैसा कि उन्होंने किया पहले कुछ सालों में ऑफ द टेन्योर, अपने जो समय काल था उनका उसके कुछ सालों में जैसा हुआ, तो वो नहीं होना चाहिए, घिसना नहीं चाहिए। द नेक्स्ट इम्पेरेटिव, अगला जो इम्पेरेटिव था, जो एक आवश्यक बात थी, इज़ द डिलीवरी ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स, सारे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी, दैट इंडिया हैज़ कमिटेड टू, जो इंडिया ने कमिट किया है ऑन टाइम, वो टाइम पे होना चाहिए, एंड विद इन बजट्स एस्टिमेटेड, और जो बजट एस्टिमेट हुआ था उसके अंदर होना चाहिए, एंड एरिया, और ऐसी जगह पर वेयर इंडियाज़ रेपुटेशन हैज़ सफर्ड इन द पास्ट, जहाँ पर इंडिया का जो रेपुटेशन है वो पास्ट में थोड़ी रेपुटेशन में प्रॉब्लम आई थी, सफ़र किया था। फाइनली मिस्टर मोदी चोज टू स्पीक इन माले अबाउट टू इम्पॉर्टेंट लिबरल वैल्यूज एज कॉमन कॉजेज, तो फाइनली मिस्टर मोदी ने दो जो लिबरल उदारवादी वैल्यूज़ के बारे में बोलने का चयन किया माले में कॉमन कॉजेज के रूप में, पहला था डेमोक्रेसी के बारे में, विच ही कॉल्ड द मालदीव्स अ ग्लोइंग एग्जांपल ऑफ, जो कहा था कि मालदीव्स जो है वो डेमोक्रेसी का एक ग्लो करता हुआ एक एग्जाम्पल है, एंड इंक्लूसिवनेस, और एक समावेश जो सबको लेकर चलते टोटैलिटी के बारे में कहा। ही रिपीटेड हिज मोटो, उन्होंने अपने उस मोटो को भी रिपीट किया, क्या था मोटो, कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यानी कि इंग्लिश में लिखा है टुगेदर विद ऑल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एंड विद द ट्रस्ट ऑफ ऑल, एंड हिज आउटरीच टू द मॉस्क इन द मालदीव्स एंड द चर्च इन श्रीलंका री इन्फोर्स्ड द वर्ड्स, एंड हिज आउटरीच टू द मॉस्क इन मालदीव्स एंड द चर्च, यानी कि उनकी जो आउटरीच है, जो पहुँच है वहाँ तक मालदीव्स और चर्च में इन श्रीलंका, reinforce the words, इन शब्दों को और सुदृढ़ बनाता है। These words must be buttressed by the power of example, यानी कि ये जो शब्द हैं इनको सहारा मिलना चाहिए, buttress का मतलब क्या होता है, एक टेक, एक सहारा, तो इनको एक सहारा मिलना चाहिए किसके द्वारा, by power of example, तो कुछ power of example, कुछ example की power दिखाकर, as India's neighbors will see, जैसा कि इंडिया के जो पड़ोसी वो देखेंगे, वेदर द सेम वैल्यूज दैट इंडिया होप्स टू सी इन इट्स नेबरहुड, कि वो सारे वैल्यूज़ जो इंडिया होप करती है, देखना चाहती है इन इट्स नेबरहुड, अपने पड़ोस में, आर इम्प्लीमेंटेड विद इन द कंट्री, कि वो इस कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं, ये बात कही गई। तो ये था आपका एडिटोरियल फर्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, keep practicing and have fun. Thank you guys.